हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को काफ़ी अहमियत दी जाती है। यहाँ लोग इस पौधे को पवित्र मानते हैं और इसकी पूजा भी करते हैं, उन्हें देवी का दर्जा देते हैं, यहाँ तक कि श्री कृष्ण के साथ उनका विवाह भी करवाते हैं। तुलसी को घर में रखना वास्तुशास्त्र की दृष्टि से भी शुभ माना जाता है। कहते हैं इससे घर के सभी वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास भी माना जाता है और इससे घर में बरकत बनी रहती है। आयुर्वेदिक दवाइयों में भी तुलसी का इस्तेमाल बहुत होता है। ये सभी बातें आपने पहले भी पढ़ी और सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी माता हमें आने वाली मुसीबतों का भी संकेत देती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार तुलसी अलग अलग माध्यमों से हमें आने वाले दुखों या मुसीबतों की सूचना देती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा हमारे घर को बुरी नज़र और नेगेटिव शक्तियों से बचाता है। ये पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर होता है। जब ये हरा भरा और अच्छी हालत में दिखे तो घर में भी सुख और शांति रहती है, लेकिन यदि तुलसी का पौधा सूखने लगे तो ये बड़ी मुसीबत का संकेत है। इसका मतलब है घर में अशांति, दुख और तकलीफें दस्तक देने वाली हैं। सूखी तुलसी का ये भी मतलब होता है कि घर की बरकत जाने वाली है, व्यर्थ में आपका धन खर्च होने वाला है, क्योंकि तुलसी में धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास होता है, लेकिन जब ये सूख जाती है तो लक्ष्मी जी चली जाती है। इससे घर में दरिद्रता आ जाती है, लड़ाई झगड़े भी परिवार में बढ़ जाते हैं, घर की पॉजिटिव एनर्जी खत्म होने लगती है और बुरी शक्तियाँ घर में पैर पसारने लगती है। यदि घर की तुलसी सूख जाए तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। सूखी हुई तुलसी की पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, वहाँ दीपक अगरबत्ती भी नहीं लगाना चाहिए। आप सूखी तुलसी को गमले से निकालकर उसकी जगह फिर से नई और हरी भरी तुलसी लगा दें। तुलसी को लेकर शास्त्रों में कई तरह के नियम बताए गए हैं, जैसे तुलसी की रोज सुबह और शाम पूजा करनी चाहिए, तुलसी के पास दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, हालांकि एकादशी और ग्रहण के दिन तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, इस दिन उन्हें जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। आप रविवार के दिन पानी की जगह तुलसी में दूध चढ़ा सकते हैं, वहीं तेल की जगह घी का दीपक रविवार को लगाया जा सकता है। इन नियमों से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में बरकत बनी रहेगी।